राजधानी लखनऊ में जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनके बाहर कई सारे ऐसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहां पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और वहां पर दवाओं को लेकर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तमाम सारी दवाएं उपलब्ध हैं और कई जगहों पर दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि दवाओं की आपूर्ति प्रॉपर वे में ना हो पाने की वजह से कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ये लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल के ठीक बाहर की बड़ी दवा की दुकान है, वहाँ पर लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो तमाम सारी कोविड की दवाएं हैं जैसे आइवरमेक्टिन है या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये सब यहाँ पे उपलब्ध रहता है? सर, आइवरमेक्टिन हो गया और डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, भारी तादाद अवेलेबल है, होलसेल मार्केट से बराबर मिल रही है, हम कस्टमर को बिल्कुल दे भी रहे हैं, ठीक है। मगर जो है रेमडेसिविर है और फेविफ्लू है जो मेन दवा है, उसे मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इंजेक्शन तो अभी अवेलेबल हो ही नहीं पाया है। पेफ्लो तो फिर भी थोड़ा बहुत आने लगा है तो मिल रहा है, तो कस्टमर को भी देने हमको थोड़ी सी आसानी हो गई है, मिल रही है, बस ये थोड़ी शॉर्टेज जरूर है। अच्छा, मुझे बताइए भाप लेने वाला जो वो होता है स्टीम वाला स्टीम इनहेलर, या इसके अलावा जिंकोवेट या तमाम सारे ऑक्सीमीटर्स की बात हो, ये सब इनकी क्या स्थिति है? इनकी स्थिति सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल रहा है, ये भी सब मिल रहा है, मगर जो है अच्छी मिल रहा है, कहीं कभी कभी शॉर्ट हो जाता है मगर फिर आ जाता है माल, मिल रहा है सब कुछ बराबर, क्योंकि लॉकडाउन है, सारी चीज़ें हैं, कोरोना फैला हुआ है, गाइडेंस बिल्कुल भी, तो कुछ दुकानें बंद हो गई हैं होलसेल मार्केट की, कुछ टाइमली खुल रही है, तो उससे पूरी मार्केट पूरी पब्लिक तो टूट रही, तो मिल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत जरूर है मगर मिल सब कुछ रहा है। मुझे बताइए कि पहले आइवरमेक्टिन कितने रुपये का होता था और इस कोरोना काल में कितनी कीमत उसकी पहुँच गई, आप लोग भी दवाएँ खरीद के यहाँ पर बेचते हैं? सर, आइवरमेक्टिन की टैबलेट जो पहले थी वो 70 रुपीस के आसपास की दो टैबलेट पड़ती थी, मतलब 35 रुपए 24 रुपए ऐसे पड़ती थी, वो पहले भी वही रेट था, अभी भी वही रेट, रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई किसी भी तरीके से, जो रेट पहले चल रहा था वही रेट आज भी चल रहा है, उसमें रेट में कोई बढ़ा नहीं। ऑक्सीमीटर का सर थोड़ा सा रेट बढ़ा है, पहले से बढ़ा है, जो ब्रांडेड कंपनियों का ऑक्सीमीटर था वो आसानी से 1500 मिल जाता था, अभी आज की रेट में वो 2000 से ऊपर प्लस हो रहा है, तो महंगा आ रहा है, इसलिए हम भी थोड़ा सा महंगा करके बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों में रेट बढ़े हैं, जैसे स्टीम इनहेलर है, नेबुलाइजर मशीन है, पास ऑक्सीमीटर्स हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा रेट बढ़ा है। तो ये आपने दुकानदार को सुना, सबसे अहम बात ये है कि कोविड की वजह से तमाम सारी जो दवाएं हैं उनकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आम तौर पर मेडिकल स्टोर्स पर वो तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, लेकिन कई बार जब लोगों की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है तब उनकी शॉर्टेज ज़रूर देखने को मिलती है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इधर जिनकी इधर खपत ज़्यादा है, लिहाजा उनकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24।